हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं रॉयल ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है? तो शेयर मार्केट जो है एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम शेयर को बाई करते हैं और सेल करते हैं। ये शेयर मार्केट है, इसके कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिन पे आज हम चर्चा करते हैं। इसमें देखा जाए तो पहला जो इम्पोर्टेंट भाग है जो हमें समझना होगा वो है NSE एंड BSE, इक्विटी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। हम इन पे चर्चा करते हैं। तो पहला NSE एंड BSE। NSE जो है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जो BSE है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ही एक स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, और इनके अंदर जो कंपनियां हैं उनके शेयर इनके अंदर लिस्टेड होते हैं। या तो वो NSE में होगा या BSE में होगा या दोनों में भी हो सकता है, ये दोनों इसमें लिस्टेड होते हैं। और इनका जो काम है ये हमें एक जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं शेयर खरीदने और बेचने का। और जो भी कंपनी होती है वो अपने शेयर लाके NSE के अंदर या BSE में देती है, और स्टॉक NSE जो है उन शेयर को एक IPO के थ्रू मार्केट में सेल करती है, और उससे जो पैसा मिलता है वो कंपनी को देती है। कंपनी उस पैसे से अपना मार्केट की में अपने बिजनेस में ग्रोथ करती है, और जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारे जैसे शेयर होल्डर्स को बांटती है। और हमारा जो डायरेक्ट, हम किसी कंपनी से शेयर नहीं लेते हैं, हमारा डायरेक्ट लिंक होता है सिर्फ NSE या BSE से। कोई भी शेयर खरीदना है तो हमें वो NSE पे मिलेगा या BSE पे मिलेगा, कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके आगे चलें तो इक्विटी। इक्विटी जो है ये शेयर मार्केट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर शेयर को होल्ड करके रखना या उसकी सेविंग करके रखना लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें जब हम शेयर को खरीदते हैं तो वो हमारी हमारे डीमैट अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद हम जब चाहें तब उस शेयर को बेच सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। हम इस शेयर को एक दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल, 10 साल के लिए भी रख सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और शेयर मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मैं इसे ही मानता हूँ, जिसमें लॉस का सबसे कम चांस होता है। उसके बाद आता है इंट्राडे। इंट्राडे का अर्थ है डेली बाई एंड सेल ऑफ शेयर। इसमें शेयर को हम रोज बाई करेंगे और उसको उसी दिन बेचेंगे, तो इसको इंट्राडे बोलते हैं, क्योंकि एक ही दिन के अंदर बाई भी किया जा रहा है और सेल भी किया जा रहा है, वो इंट्राडे हो गया। इसमें थोड़े लॉस के चांस रहते हैं। और इससे अगला है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो है इसमें शेयर को बाई करना या सेल करने का एक लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है, जैसे 1 डे या 7 डे या 1 मंथ, एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम शेयर को खरीदते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्की शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होता है। इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमारे पैसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। और हमें 1 महीने में करोड़पति बनना भी नहीं है, आराम से धीरे धीरे टाइम के साथ बनना है।
अब यदि मैं आपको एनएससी और बीएससी के बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँ तो आपको मैं मेरे डीमैट अकाउंट पे लेके चलता हूँ। तो ये है मेरा अप स्टॉक्स का डीमैट अकाउंट, मैंने पहले से खोल रखा है। तो इसमें बताऊंगा मैं कि एनएससी कहाँ आ रहा है, बीएससी कहाँ आ रहा है। कुछ कंपनियाँ होती है वो एनएससी के अंदर लिस्टेड होती है, कुछ कंपनियाँ जो है वो बीएससी के अंदर लिस्टेड होती है। अभी ये स्क्रीन खुल गई है मेरी, और स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखोगे आप कि अपना मोबाइल का कीबोर्ड खुल गया है। इस पे हम एग्ज़ाम्पल लेंगे एक SBI बैंक का, SBIN, ये SBIN। इसके आप नीचे देख रहे होंगे NSEQ लिखा हुआ है, मतलब NSE के ऊपर लिस्टेड है ये, और ये इक्विटी के अंदर यदि हमें ख़रीदना है तो यहाँ से इसको ऐड करना है। और नीचे जो दिया हुआ है NSE 29 जुलाई 21, यदि हम इसे ख़रीदते हैं तो ये एक फ्यूचर एंड ऑप्शन दिया हुआ है, 29 जुलाई तक हमें इस शेयर को बेचना होगा, उससे ज़्यादा दिन के लिए हम इसे नहीं रख सकते। और जैसे ही हम ये बैक करेंगे तो ये SBI का शेयर हमारा इसमें ऐड हो चुका है, ये SBI का ऐड हो गया है। ऐसे यदि कुछ कंपनियों के शेयर जो है BSE पे भी मिलते हैं, तो हम एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। BSE पे जैसे पार्ले कंपनी है, ये देखो ये BSE पे लिस्टेड है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है BSE ग्रुप एक्स, ये BSE पे लिस्टेड कंपनी है। तो ऐसे हम जहाँ से भी चाहें BSE या NSE से हम शेयर को ख़रीद सकते हैं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इक्विटी में यदि ख़रीदते हैं तब। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्दी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएं। यदि आपने ओपन करा लिया है तो अच्छा है, नहीं करवाया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डीमैट अकाउंट का लिंक सेंड करूँगा, आप वहाँ से इसको ओपन करा सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।